तो वहीं पौड़ी में पूर्व सैनिक कल्याण संगठन जिले के एक पुलिसकर्मी की बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि विखड़ी खाल निवासी एक पूर्व सैनिक ने कुछ दिन पहले ही विखड़ी खाल क्षेत्र में बीमार वृद्ध महिला और उसके साथी को अपने दुपहिया वाहन से अस्पताल पहुंचाने के लिए लिफ्ट दी, लेकिन इसी दौरान एक पुलिसकर्मी संजय सिंह ने पूर्व सैनिक को रोक कर चालानी कार्रवाई करने के बजाय पहले पूर्व सैनिक से अभद्रता की और उसकी सैन्य सेवा पर भी सवाल उठाए। काफी बहस के बाद पुलिसकर्मी ने चालानी कार्रवाई तो की, लेकिन चालान विखड़ी खाल थाने के बजाय कोटद्वार थाने में जमा करने के लिए काटा गया। पूर्व सैनिक के साथ हुई इस अभद्रता पर पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने की मांग उठाई। पौड़ी से मुकेश पछेती की रिपोर्ट। वो तुतारे से बात कर रहा था और वो एक 65 वर्ष के वृद्ध भी है, सीनियर सिटीजन भी है और एक पूर्व सैनिक भी है और उनको ये चीज बुरी लगी, तो उन्होंने कहा आप चालान काटिए, मेरा मैं मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तूता शब्द आप शब्दों का प्रयोग मत करिए। और उन्होंने कहा कि मैं एक सरदार मेजर रिटायरमेंट हुआ हूँ, सेना में 28 साल मैंने नौकरी करी है। तो इसलिए इंस्पेक्टर ने कहा माननीय राज्यपाल जी को भी एक पत्र भेजेंगे और SSP पौड़ी को भी हम एक पत्र भेजेंगे, अगर इस पर जो है कार्रवाई नहीं होगी तो हम समस्त पूर्व सैनिक एकजुट होकर के पूरे देश के एकजुट होकर के इस धरने पर बैठेंगे, जगह जगह धरने पर बैठेंगे जब तक कि इंस्पेक्टर संजय सिंह की बर्खास्ती नहीं होती है और हम लोगों को फैसला नहीं मिलता है। सैनिक पूर्व संगठन के कर्मचारी हमारे पास आए थे जो कि एक शिकायत लेकर हमारे पास आए थे, जिसमें एक पुलिस कर्मचारी के द्वारा अभद्रता का आरोप उन्होंने के बारे में शिकायत मेरे पास थी है और उस शिकायत का हम लोगों ने संज्ञान लिया है और यदि शिकायत में सत्यता है और यदि उसमें ये स्पष्ट होती है चीजें तो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हम लोग इसमें कठोर से कठोर विभागीय कार्रवाई अमल में।